ग्राम डूंबर प्रखंड चुरचू में उत्क्रमिक उच्च विद्यालय है जिसमें एकता मरांडी पढ़ती है। एकता मरांडी के साथ सातवां क्लास से लेकर दसवां क्लास तक 2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिला है। हम लोगों को स्टेट बैंक से खाता खुलवाने के लिए कहा गया। हमने खोला और कहा गया कि हमारे खाता में छात्रवृत्ति आएगा, पर हमने चेक करवाया पर उसमें छात्रवृत्ति नहीं आया है। सरकार की तरफ से हम लोग को 8 क्लास तक किताब तो मिलता है पर 9th और 10th को नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों को जो छात्रवृत्ति मिलता है उसी से हम लोग अपने किताब कॉपी और पेंसिल के लिए अपना व्यवस्था वही पैसा से हम लोग करते हैं। हम लोग ने कई बार सर से पूछा कि हमें छात्रवृत्ति कब मिलेगा। सर ने कहा कि तुम लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगा और कब मिलेगा वो हमें नहीं मालूम। बच्चे इस बार 10th क्लास में 85 हैं और 9th क्लास में 77 हैं। स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है उत्क्रमित उच्च विद्यालय का, चापाकल उसका अपना नहीं है, पुस्तक में भी जितनी पुस्तकें होनी चाहिए पर्याप्त नहीं है, प्रयोगशाला के लिए साइंस किट है लेकिन साइंस टीचर को है नहीं इसलिए प्रयोग नहीं हो पाता है प्रयोग विभिन्न विषयों का। छात्रवृत्ति में हम लोगों को मांगा गया था सूची सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों, जिसमें कहा गया था कि खाता में पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति खाता में नहीं आया है और ना ही हम लोगों को इसकी कोई जानकारी दी गई है और ना ही हम लोगों से किसी तरह की जानकारी ली गई है कि किस बच्चे को मिला नहीं मिला क्या हुआ, मतलब पूरी तरह से हम लोग इस मामले में अंधकार में हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों एवं समुदाय से अपील है कि चुरचू प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नागेन यादव का मोबाइल नंबर 94315 34 13 में फ़ोन करके मदद करें ताकि बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। मैं मंजू किस्कू झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।